तो मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक बहुत ही पुराना डिज़ाइन का एक जो बंगलो है, तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल वाला घर है। यहाँ से जाके वहाँ पे पानी डाला जाता है, तो ये पानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आता है और ये जो है ये घूमता है। ओके, ये फवारा है यानी कि जो फाउंटेन टाइप का होता है, और उस टाइम पे ये शुरू होता है फेस्टिवल। अप्रैल जब बहाग बिहू होता है आसाम में, उसी टाइम में यहाँ पे भी न्यू ईयर होता है। और मेनली कंसंट्रेशन होता है बुद्धा के प्रतिमाओं पे, और फिर उन पे पानी जाता है, फिर उसको फिर क्लीन करके फिर वापस अंदर रखा जाता है। और उसी टाइम ना कि सिर्फ मूर्तियाँ, जितनी मोनास्ट्री का पूरा प्रीमाइसेस, हर जगह पूरा गांव इकट्ठा होता है, एंबियंस को क्लीन किया जाता है। So hey guys, what's up and welcome to my channel UB Blogs। और मैं आज आया हूँ जोरहाट अपर असम के तितावर पे, बालीजान बुद्ध मंदिर पे। तो यहाँ पे मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे कि ये एक बुद्ध विहार है, मंदिर है। और आज ये चीज़ मैं आपको दिखाने आया हूँ कि एक छोटा से गांव में, एक छोटे से टाउन में एक बुद्ध का मंदिर है, और वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले आप छोटा सा एक सिनेमेटिक शॉर्ट दे। अजंता भी आई है यहाँ पे, ये रही अजंता। तो आपने लास्ट ब्लॉग देख ही लिया होगा, तो हम लोग अब छोटा सा एक टूर कर रहे हैं। तो अजंता एक्चुअली इसी चीज़ पे रिसर्च कर रही है, तो आज हम लाए बुद्धिस्ट मंदिर पे। तो एक मंदिर पे कुछ चीज़ है, अभी मुझे पता नहीं है, आई एम सो सॉरी अगर कुछ गलत होता है तो, और रिलीजियस जगह है तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझे आप माफ़ कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ जगह के बारे में, तो अजंता बताएगी इसके बारे में। तो अजंता प्लीज़ एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना क्या है। तो ये है कॉन्ग्रा, या भी बोलते हैं सांकन कॉन्ग। तो ये यूज़ होता है जब यहाँ पे न्यू ईयर होता है अप्रैल के टाइम पे, जैसे आसाम में बहुत भी होता है उस टाइम, यहाँ पे न्यू ईयर शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी बुद्धिस्ट मूर्तियाँ हैं, जैसे यहाँ के अंदर जो भी प्रतिमाएं हैं जिसको मूव कर सकते हैं, उनको बाहर लाते हैं, बाहर ला के भी यहाँ रखते हैं, और पूरा गाँव यहाँ पे इकट्ठा होता है। और ये जो सीढ़ी है यहाँ से जाके वहाँ पे पानी डाला जाता है, तो ये पानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आता है, और ये जो है ये घूमता है। ओके, ये फवारा है यानी कि जो फाउंटेन टाइप का होता है, तो ये मूर्तियों को जैसे पानी, मूर्ति बहुत पवित्र है यहाँ के लोगों के लिए, तो वी कांट टच इट, ठीक है। तो टच करते हैं जो मेनली जो एल्डरली मेंबर होते हैं सोसाइटी के, मेनली मेन, और लेकिन ये भी है कि कई जगह फीमेल भी करते हैं, तो वो यहाँ पे रखते हैं। और जो हम मंडे
लोग हैं तो वो वहाँ पे पानी डालते हैं और वो पानी बह के मतलब ये रिचुअल बाथिंग होता है, ये रिचुअली पूरे ना कि सिर्फ मूर्तियाँ ये पूरे रात से शुरू होता है इनका, जैसे मुहूर्त होता है इनका मुहूर्त होता है जिस मेनली रात को ज़्यादातर मुहूर्त होता है और उस टाइम पे ये शुरू होता है फेस्टिवल। फिर बेसिकली व्हेन इट्स हैपनिंग अप्रैल अप्रैल जब बहाग बिहू होता है आसाम में okay. उसी टाइम में यहाँ पर भी न्यू ईयर होता है okay. तो ये न्यू ईयर का शुरुआत में ये होता है कि पूरे मंदिर को साफ करा जाता है और मेनली कंसंट्रेशन होता है बुद्धा के प्रतिमाओं पे और फिर उन पे पानी जाता है, फिर उसको फिर क्लीन करके फिर वापस अंदर रखा जाता है और उसी टाइम ना कि सिर्फ मूर्तियाँ जितनी मोनास्ट्री का पूरा प्रीमाइसेस हर रोज जगह पूरा गांव इकट्ठा होता है, एम्बियंस को क्लीन किया जाता है, सबको क्लीन किया जाता है ये शुरुआती पहले दो दिन में। सो गाइज आप लोगों ने जैसे देख लिया, अजंता ने बता ही दिया कि एक रिचुअल है जो अप्रैल के महीने में होता है, तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, आप ज़रूर आइए। छोटा सा जगह है, बहुत प्यारा सा जगह है और कुछ व्यू और मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये अभी नया कंस्ट्रक्ट हुआ है तो ये होता है कि यहाँ पे दाना जो दाना शिला है उसको एक बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है बुद्धिस्ट रिलीजन का और दान से ही ये पूरा मोनेस्ट्री चलता है। तो एक जो मेरे पीछे माय ब्रदर इज स्टैंडिंग तो उन्हीं के पड़ोसी सो हिज गौरव तो उन्हीं के रिश्तेदारों ने ये दान किया है तो उनका एक बड़ा फेस्टिवल है 9 तारीख को 9 जैन को, इफ पॉसिबल वी विल ट्राई टू फॉलो cover this event as well. So this is the newly constructed and we are also lucky that we came here and by chance we got to know that this has been constructed. तो अभी बिल्कुल नया है, अभी ये बिल्कुल यूज़ में नहीं आया है, अभी ये शुरू होगा और उस दिन बहुत लोग यहाँ पे आने वाले हैं, होपफुली विल बी एबल टू कवर। श्योर। तो गाइस एक छोटा सा वाइब मिला है समरप स्वप्नप श्याम सो ये भी सब्सक्राइबर है, अच्छा लगा इनसे भी मिलके एंड ये यहीं तुम ही आता थका की कोई ऐसा इधर बर्तमान इन्हें पोही ऐसा स्टूडेंट कोट पोही ऐसा एनएनसी क्या हाँ निकी। तो ये जो मंदिर है ये आपका जोरहाट से कम यही लगा लीजिए कि 40-50 किलोमीटर अंदर पे पड़ता है। और आ गया एक फ़ोन तो मैं फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों ये एक छोटा सा जगह है और क्या हुआ है कि ये जोरहाट से आपका लगा लो 20 किलोमीटर है और टिटाबर आना पड़ेगा, टिटाबर से फिर आपको और 15 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा बालीजान गांव पे। तो जैसे कि ये बालीजान पे श्याम गांव है, यहाँ पे आपको ये बुद्धिस्ट जो टेंपल है टेंपल पे आप आ सकते गांव है, आपको अभी थोड़ा सा गांव का भी टूर करवाता हूँ तो वो देख लो आप। सो गाइस ये जो बुद्ध मंदिर आप देख रहे हैं, ये बुद्ध मंदिर का जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था ये 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं छोटा सा एक गांव जो आपको अभी अच्छा लगेगा, बने रहिए वीडियो में। कैसा लग रहा है एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया सा व्यू है।
वॉइस थोड़ा सा डाउन है जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैविंग कोल्ड एंड कफ। तो आप देख ही रहे होंगे ये स्कर्फ लगा के घूम रहा हूँ। और जो रट कल आया था यहाँ पे, आज है आपका 30th ऑफ दिसंबर, और आई गेस नया जो साल है मैं यहीं वेलकम करूँगा। अजंता के साथ आया था एक छोटा से गांव को एक्सप्लोर करने, क्योंकि अजंता पहले यहाँ पे आ चुकी है और उसके फील्ड वर्क के लिए, जो रिसर्च के काम के लिए, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बनाया जाए और आपको भी दिखाया जाए। कल का जो मॉनेस्ट्री मैंने दिखाया, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, तो वीडियो मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो डैट कोई भी अगर मैं वीडियो दूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाबा अजिला सुजोया अहम। কভার দিয়ে মুড়িয়ে যাও খুলে গেটও বাহিব পড়া।